तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो पे। आज के इस वीडियो में हम लोग अपने डेल जी 15 में सीओडी वॉरजोन 2 खेलने वाले हैं। तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाता रहूँगा तो आप अपडेटेड रहोगे। मेरा 500 सब्सक्राइबर्स का गोल है, जो आप लोग की मदद से बहुत जल्दी पूरा होगा, तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और बदले में मैं हर न्यू वीडियो के साथ अपने कंटेंट को इम्प्रूव करूँगा और आपके लिए न्यू गेम्स लाता रहूँगा। तो भाई गेम स्टार्ट हो गई है। ग्राफिक्स मैंने लोवेस्ट रखे हैं मिनिमम, और DLSS रखा है बैलेंस्ड पे। तो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस हमको मिलती है वाली सेटिंग्स में। तो दोस्तों सबसे पहले इस गेम के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं आप लोग को कि ये गेम बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। ये हाई एंड PC में भी स्टेबल FPS नहीं दे रहा है, और बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं इसी कारण से इसको। और वॉरजोन 1 जो था वो इसके डबल से भी ज़्यादा FPS दे रहा था, और इसको देख लो आप लोग ये कितने मिनिमम सेटिंग्स में भी 60 FPS के आसपास दे रहा है, वो भी कम हो रहे हैं। बाकी जल्दी ही डेवलपर्स इस चीज़ को फिक्स करेंगे। तो FPS आप देख ही सकते हैं 50-60 के बीच आ रहे हैं, वो भी स्टेबल नहीं है बिल्कुल। और टेम्परेचर सही चल रहे हैं, वैसे भी ठंड का टाइम है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस गेम को पहले कभी खेला नहीं हूँ, तो मैं इसमें बहुत बड़ा नूब हूँ, तो कमेंट में गाली मत देना। और मैं खेल भी कंट्रोलर से रहा हूँ, कीबोर्ड माउस तो मैंने लगाए नहीं है। बाकी गेम मेरे को बढ़िया लग रही है, बस इसको अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर दें डेवलपर्स, तो मैं इसको आगे खेलूँगा। तो सेटिंग्स अब हम लोग चेंज कर रहे हैं बेसिक, और DLSS रखा है बैलेंस पे। VRAM तो मेरी पूरी ही यूज़ हो रही है यहाँ पे। बेसिक में भी सेम FPS ही लग रहा है मेरे को, डिफरेंस नहीं लग रहा कोई। बाकी अगर आपके पास डुअल चैनल 16 GB रैम है तो परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी मिलेगी। चलते हैं भाई, थोड़ा गाड़ी वगैरह भी चला के देख लेते हैं। हो सकता है बाकी अब कोई अपन को स्पॉट कर ले तो मार दे, बाकी कोशिश करेंगे लड़ने की कोई भी आ जाए। ये आ गया अपना पेट्रोल पंप। अब तो अब सेटिंग्स हम चेंज कर रहे हैं, सेटिंग्स है बैलेंस और DLSS भी बैलेंस है, तो ये मीडियम सेटिंग्स पे है। फिर चलो देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस मिल रही है। भाई ये बैलेंस पे करके तो मेरे को कोई डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है। मिनिमम में भी इतने ही FPS मिल रहे थे, और अभी मीडियम सेटिंग्स में भी इतने ही मिल रहे हैं, मतलब वेरी लो और मीडियम में सेम परफॉर्मेंस दे रहा है करीब करीब। तो मेन प्रॉब्लम ये गेम में ये, पर जल्दी जल्दी ये भी फिक्स हो ही जाएगी। तो अब टाइम आ गया अपने स्किल्स दिखाने का। एक बंदा यहाँ से गोली चला रहा है, रुक जा बेटा, गाड़ी में आग लग गई भाई। देख लो भाई ये है मेरे स्किल्स, बहुत आराम से इसने मार दिया हमको। बाकी तो तुम लोग देख ही सकते हो मैं प्रो नूब हूँ। ये अपन गुलग में आ गए हैं वापस।
तो अब सेटिंग्स चेंज करके हमने अल्ट्रा कर लिया और DLSS अपना वही सेम बैलेंस भी रहेगा। देख लो भाई अभी तो 23 FPS आ रहे हैं, ये थोड़ा लैग हुआ बीच में, बाकी FPS उतने ही आ रहे हैं करीब करीब, कुछ खास डिफरेंस नहीं देखने को मिला है हमको अल्ट्रा में भी। तो बीच बीच में फ्रेम ड्रॉप्स भी हो रहे हैं इस बार, तो मैंने पहले भी अल्ट्रा में गेम प्ले किया, थोड़ा सा वो गेम क्रैश हो जाता है, पर अल्ट्रा में ग्राफिक्स में तो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, बहुत इम्प्रूव हो गए हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट आगे भी लाता रहूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू गेम के साथ, तो तब तक के लिए बाय।